गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस सोमवार को जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर मनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर को नमन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जटाशंकर गुरुद्वारे पर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए रविवार को डीआईजी जे रविंद्र गौड़ एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने गुरुद्वारा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ कहाँ बैठेंगे, इन सब के बारे में जानकारी ली तथा वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी देखा, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर सिंह शहीदी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के 7 साल के बाद इस गुरुद्वारे में प्रथम आगमन होगा। यह सभी सिख भाइयों के लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री को इस गुरुद्वारे से काफ़ी प्रेम रहा है। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इस गुरुद्वारे को सुंदरीकरण करने के लिए सहायता मिली थी। उनके आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा के लिए काम किया गया तथा गुरुद्वारे को सजाया गया है। गुरुद्वारा परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयारियाँ कर ली गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार पाल सिंह ने कहा, ऊपर आएंगे हम सब, कहाँ से जाएंगे? इधर से रहती है ऐसे आएंगे। हाँ जी, ये सब कवर कर देंगे हम लोग। लिफ्ट जाती है महाराज जी, नहीं लिफ्ट लगाई है लेकिन हम लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो महाराज जी लिफ्ट यूज कर सर जी, जो कुछ फ्रेम होगी जो बनवा दी आपके पास है क्या? मेरे पास क्या क्या हम बिस्मई लोग भी सर हमारा भी ठीक है। उसके बाद ये इधर से सर इधर से आएंगे उस पार्ट के नीचे वहाँ बना है, ये बैरिकेड हो जाएगा सर। सर आपका प्रथम आगमन हो रहा है, आइए सर। सर 2 मिनट में सिवाने आप आए, अच्छा लगा। दर्शन हो जाए, बात हो जाएगी आप लोगों से। बैठिए, कब का इधर आइए, महत्वपूर्ण है तब तो फिर बोले सोनिहाल सस्य काल। इसमें अंदर भी सीसीटीवी लगाया है आप लोगों ने? सब लगा, व्यवस्था था, व्यवस्था बहुत अच्छा है, हाल बहुत अच्छा है, हाल की मेहनत तो बहुत अच्छी है। अच्छा सर, बहुत ही सब आप लोगों के सेकंड रहे हैं सारे काम से सर। कल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में हिंद की चादर शहीदों के सरताज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व बहुत श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास बाहर से लागी जत्ते प्रचारक आए हुए हैं, लंगर भी होगा,
लात का दीवान सजाया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि इस शुभ इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस गुरुद्वारे से विशेष प्रेम था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण के लिए हमें कुछ सहायता भी दी थी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो यहाँ पर नहीं आ सके थे, यद्यपि इसके पहले हर कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात भी है कि 7 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे इस गुरुद्वारे में आ रहे हैं। उनके आगमन को देखते हुए हम लोगों ने उनकी सुरक्षा के लिए उनके सब तरीके प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था जारी है, गली की सफाई हो रही है, पूरी सफाई हो रही है। तो उनका हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।